हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के मेरे इस YouTube वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्रोम ब्राउजर के कुछ फीचर्स के बारे में। लेट्स बिगिन द वीडियो। दोस्तों, कभी कभी हम अपने मोबाइल को यहाँ वहाँ रख के भूल जाते हैं, जैसे कोई बस में या हमारे दोस्त के घर पे। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या हम क्रोम से अपने मोबाइल को ट्रैक कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं। तो आइए मैं उसके स्टेप्स दिखाता हूँ। सबसे पहला काम ये होगा कि आपके पास जो ईमेल आईडी पुराने मोबाइल में था, वो ईमेल आईडी आप जिस मोबाइल से ढूंढने वाले उस मोबाइल में भी लॉगिन कीजिए। अभी आप अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कीजिए, फिर उसके अंदर सर्च बार में आप सर्च कीजिए फाइंड माई फोन। फिर उसके बाद जो सबसे टॉप पे आपको दिखाई देगा उसे ओपन कीजिए। और ये मोबाइल वीवो मेरा पुराना वाला जो लॉगिन है वो वाला है। अभी आपको एक पासवर्ड पूछेगा कि जानने के लिए ये आप ही हो या कोई और। तो हो रहा है, तो देखिए अभी आपको लोकेशन बता देगा। देखिए वहाँ पर जो मोबाइल का साइन दिख रहा है उस मोबाइल में, उस लोकेशन में आपका मोबाइल है। क्रोम का अगला फीचर है कि हम क्रोम से अलग अलग सर्च इंजन्स को भी इनबिल्ट फीचर के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो आइए उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले आप अपने क्रोम पे आ जाइए, फिर इसके बाद अपनी सेटिंग्स ओपन कीजिए, फिर इसके बाद वापस जो सर्च इंजन का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको अलग अलग सर्च इंजन यूज़ करने का ऑप्शन दिख रहा है, जैसे कि याहो, बिंगो, डुकडुक, ईको। तो इनमें से आप किसी को भी एक को इनेबल कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए आपको मैं एक एग्जांपल तौर पे दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे सर्च इंजन का व्यू। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कुछ वेबसाइट्स के लिए हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, कंप्यूटर के ब्राउज़र से ही हम उन ऑप्शंस को इनेबल कर सकते हैं, पर क्रोम की मदद से हम विदाउट कंप्यूटर भी मोबाइल की मदद से हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन को मैं दिखाता हूँ। हम वापस क्रोम ब्राउज़र में आ चुके हैं, आपको मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। अभी हम यूट्यूब में जाएंगे। यह है एक मोबाइल जिस तरह दिखाता है उस तरफ का व्यू। हम सेटिंग में जाके डेस्कटॉप साइट जैसे ही इनेबल किए तो देखिए हमारा यूट्यूब किस तरह एक कंप्यूटर के दिखाने जैसा कैसा कन्वर्ट हो रहा है। देखिए हम क्रोम की मदद से कंप्यूटर को भी एक्सेस कर पा रहे हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए।